तो वो टाइम बाद चला रहा साइकिल यार। ओए 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 अड़ जो अड़ जो अड़ जो अड़ जो अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता लग रहा होगा कि आज है जुम्मे का दिन और ईद का तीसरा दिन, तो माशाल्लाह से सही फिट गुजर गए हैं दोनों दिन और माशाल्लाह से आप सबके भी सही फिट गुजरे होंगे। तो बस आगे भी इंशाल्लाह सही गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को दिखाते आएंगे क्या सीन होता है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए। सीन है कि मैं बैठा हुआ था दूसरे कमरे में, तो आपको दिखाते हमारे घर कौन आया है। वो कल रगली थी बड़दा गेंद रगली थी दाओ बड़दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल चले? ठीक हो? बिल्कुल। ये चेक करो भाई। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चल है? ठीक है ठीक है। मुंह रगली थी बड़दा गेंद रगली थी दाओ बड़दा। इंडिया ना मोरो इंडिया ना। तो हमारे साथ आए खाला के बेटे, तो आप लोगों को दिखाते हैं क्या सीन होता है। शुगर मेला लगाएंगे इनके साथ, इंजॉय करेंगे, दिखाएंगे क्या सीन होता है। अभी चलते हैं थोड़ा सा बाहर, मौसम भी बड़ा फिट हो चुका है। मैं आ चुका हूँ इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत रोड एंड सबसे फेमस रोड 7th Avenue पे। तो सारे भाई खड़े हुए हैं, तारिक भाई भी आ जाए हुए, लेकिन यहाँ से इनकी बनैन बाहर निकली। ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो सारे भाई खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हो भाई, इंजॉय कर रहे हो आप लोग? जियो। ये देखो बड़ा फिर जोगी है। एक बार इधर फिर करना, किस तरह? जियो 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 जीने दो। तो यहाँ पर खड़े हुए जो है इंजॉय कर रहे हैं, तो हनु भाई भी खड़े हुए हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को क्या सीन होता है। तो मौसम भी बड़ा फिट है, इंजॉय करने वाला मौसम है, दिखाते हैं आप लोगों को। चुका था घर वापस, तो यहाँ पर चला रहे साइकिल, इंजॉय कर रहे थे। चेक करो भाई ये लोग, तो सारे खड़े हुए थे इकट्ठे होके सारे मिलके। तो चेक करो, मैंने कहा मौसम भी बहुत मज़े का हो गया, बारिश वाला मौसम हो गया, तो साइकिल पे इंजॉय करते हैं। साइकिल आने दो, चक्कर चक्कर मारते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है, आपको दिखाते हैं। साइकिल के आज मज़े लेते हैं, काफ़ी टाइम बाद साइकिल चलाएँगे। तो अभी इन लोगों ने चला तो लिया, इन लोगों ने, तो अब दिखाते हैं क्या सीन होता है। वो चला रहा था एक, तो लेके आते दिखाते हैं। मौसम बहुत हैवी हो चुका है, भाई ने साइकिल ले ली है। मैंने कहा ब्रेकेज व्रेके तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल किसी काम की नहीं है, ब्रेकें बिल्कुल ख़राब है, लेकिन हल्का फुल्का सा चलाना पड़ेगा क्योंकि मज़े लेने पड़ेंगे। हल्के फुल्के से चेक करते हैं किस तरह चलती है। तो बहुत टाइम बाद चला रहा साइकिल यार। ओए 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 अड़ जो अड़ जो अड़ जो अड़ जो क्या कर रहे हो यार, ऊपर से ब्रेकें नहीं हो, ऊपर से आपको भाई चला रहे भी एक हाथ से, इसलिए तो मुझे की साइकिल जा रही है, चेक कर सकते हो। मौसम में बंदा कहता है कि साइकिल ही चलाए, बाकी कुछ ना चलाए, तो ब्रेक लगेगी नहीं, ऐसा ना हो गाड़ी के आगे ठोक ना जाए, बाकी फायर है। चलते हैं वापसी, साइकिल बहुत कपड़े फाड़ती है यार, कपड़े भी काफ़ी थे मेरे फाड़े बचपन में, काफ़ी बहुत चलाई है साइकिलें यार, बहुत चलाई है। आपके भाई ने इसके बुरे लिए हैं साइकिल के भी, तो सारे मेरा वेट कर रहे हैं, मैं जाकर साइकिल दे दूं, ताकि कोई मसला परेशानी ना बन जाए, बाकी खैर है। तो पकड़ो भाई पकड़ो, बस आपके भाई ने साइकिल के फुल फुल मज़े ले लिए हैं, बहुत मज़ा आया साइकिल चला के, काफ़ी टाइम बाद साइकिल चलाई है यार, तो बहुत इंजॉय किया है। बाकी सब भाई खड़े हैं, चेक करो एक भाई मेरी वीडियो बना रहे हैं, तो बाकी दिखाते हैं आप लोगों को क्या सीन होगा। तारिक भाई बहुत दूर से आए हैं और आप लोगों को ईद मिलवाते हैं, तो ये तारिक भाई खड़े हैं। तारिक भाई ने ईद ही मिली, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। तारिक भाई ने फलस्तीनों की तारीख मिलाई है, देखो बाकी भी मिलने आ रहे हैं, चेक करो भाई चेक करो। भाई ईद मिल रहे हैं, बाकी और क्या है, शुक्र मैंने लगाया है, बाकी क्या है। तारिक भाई ने अभी तक हमारे से ईद नहीं मिली, आपको दिखाते हैं मस्त बैठे वाला, ये लेटा हुआ, ये देखो बोला भाई मैदान में फिर आगे एक बारी, फिर मार्केट में शार्ट हो गए, ये चेक करो भाई ये चेक करो, बोला भाई मार्केट में फिर इन हो गए। बोले भाई से पूछते हैं छोटी ईद तो गुजर गई है, बड़ी ईद का क्या सीन है? बोले भाई बड़ी ईद का क्या सीन है? सारी बड़ी ईद का कोई सीन नहीं है। क्यों जब वाला सुरंग वाला बैठ आ रही है, कोई आएगा इस बारी? इंशाल्लाह आएगा यार, आएगा आएगा, फिर आप लोगों को दिखाएंगे क्या सीन होता है। तो बाकी कह रहे पिक्चर मिक्चर बनानी है, इसलिए अभी थोड़ा पिक्चर मिक्चर बनाते हैं,
मौसम बहुत हैवी हो चुका है इसलिए। ऐसा सीन है कि कजन वजन आए, मैं कह रहे हैं कि चलना है दूसरी खाला के घर। मैंने कहा ठीक हो गया, आप लोगों को दिखाते हैं कैसे को जाते हैं। कमी बिल्कुल रेडी है तो गाड़ी का इंतजार कर रहे, गाड़ी बस आने लगी है तो बस चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या होता है। ये पहले से ऊपर पहुंच गया है कि मेरे साथ ही है। चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर कौन कौन है, मुश्किल लग रहा है कोई हो। आ चुका हूँ घर के अंदर, तो ज़ियान तो कहीं बाहर गया हुआ है, कह रहे हैं कि आने वाला होगा। बाकी भी दिखाते हैं क्या सीन होगा। मैंने आके न्यूज लगा दिया, मैंने कहा न्यूज देखें क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा रश है यार, बहुत ज्यादा रश है, निकलना बेवकूफ़ी है। लेकिन नींद होती है, लोग कहते हैं इंजॉय करेंगे, ये करेंगे तो वो करेंगे, लेकिन बस इसलिए तो हम लोग तो बस खैर खरीद से आ गए। तो दिखाते हैं आप लोगों को क्या सीन होगा उसके बाद। भाई आ चुके हैं, चेक करो भाई उठ के चले गए। तो उसैद भाई से पूछते हैं ईद कैसी गुजरी। उसैद भाई ईद कैसे गुजरी आपकी? बेकार नहीं गुजरी उसे? चलो खैर है, बड़ी ईद पे शुक्र में लगा लेंगे, छोटी ईद तो बच्चों की होती है, बड़ी ईद पे इंशाल्लाह हम लोग शुक्र में लगाएंगे, दिखाएंगे क्या सीन होगा। तो साथ रहिए, जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो भाई। तो दिखाते हैं क्या सीन होता है। तो यहाँ पर आ गया, हुनैन भी आ गया है माशाल्लाह से, और रकम को बिठा दिया। मैंने कहा पेपर की तैयारी करो, ईद तो गुजर गई है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, पेपर रहते हैं पेपर दो और उसके बाद आशी मारो, ये ठीक है। तो ज़ियान से मिलवाते हैं, ज़ियान भी आ चुका है, तो ज़ियान को बुलाओ। हुनैन हमारे पास आ चुका है, ज़ियान मतलब खान। तो ज़ियान ये क्या कर रहे हो आप? स्पिनर है। आपकी ईद गुजर गई, कैसी गुजरी आपकी ईद? ईदी देने लगा मुझे माशाल्लाह। ईदी दोगे मुझे जान? मुझे ईदी दोगे माशाल्लाह। बड़े से तो अच्छा ये है कि 10 रुपए तो दिए हैं। दिल होना चाहिए बंदे, पैसा कुछ भी नहीं होता यार, बंदे का दिल देखा जाता है बस, बाकी क्या होता है। देखो दिल देखा है ना, 10 रुपए आगे। लेकिन ये मैं जान को वापस दूंगा, इसको वापस दूंगा, बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। कल से स्कूल भी जाना है बच्चे, ईद तो गुजर गई है, छुट्टियां ख़त्म, अब क्या होगा? जाओगे कल स्कूल? क्यों कल से स्कूल जाओगे आप? नहीं। क्यों? छुट्टी है, कह रहे छुट्टी है। तो बस मैं कहा ज़ियान से मिल लेते हैं, ज़ियान से भी मिलवा दी है, तो व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, मैंने कहा व्लॉग ही एंड किया था, व्लॉग एंड किया जाए। तो यहाँ पर आती है हमारे व्लॉग के एंड, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। इससे पहले लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।